लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सारी उर्मियों को एक साथ ही बहा देना चाहती हूं। मैं जानता हूं की इस व्यथा को मैंने भी सहा है। मैंने अपना सब कुछ भुलाकर, सारे सुख दुख भुलाकर भैया राम के चरणों में समर्पित कर दिया और इस वियोग में इतने सारे वर्ष कैसे बीत गए। मुझे पता ही नहीं चला और मैं पल पल आपकी स्मृति में जलती रही टिमटिमाते दीपक के समान। राजमाताओं ने मेरा बहुत ध्यान रखा, कभी कष्ट नहीं होने दिया। अयोध्या का ये राज वैभव भी था, परंतु आपके बिना सब सूना था। मैं जानता हूं उर्मिला, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे मन की हर व्यथा को जानता हूं। भैया राम के साथ वनवास मैंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था और भातृ प्रेम के प्रवाह में बहकर मैं सब कुछ भूल बैठा। मैं तुमको भी भुला बैठा और मुझे इस भूल का अनुभव है उर्मिला। उर्मिला, क्या मुझे इस भूल के लिए क्षमा नहीं करोगे? क्षमा मांगकर मुझे लज्जित न कीजिए स्वामी। उर्मिला, जानती हूं ये कहना असत्य होगा कि वनवास में मुझे तुम्हारा स्मरण नहीं हुआ। मैं जब जब भैया राम और सीता भाभी को साथ साथ देखता था, तुम्हारी स्मृति मेरे हृदय को कौन जाती थी। परंतु अगले ही क्षण मैं सब कुछ भुलाकर भैया राम की सेवा में लग जाता था। और मैं भी आपको भुलाने के लिए श्री राम के चरणों में ध्यान लगाती थी
और तब जाके घबराए मन को शांति मिलती और फिर यूं ही दिन बीतते रहे और देखते देखते 14 वर्ष बीत गए। अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब जो मुझे मिल गए। अब पुरानी बातों को भूल जाओ उर्मिला, आज इस मिलन की बात करो जिसके कारण हमारे इस लंबे वियोग का अंत हुआ है।